नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आप सभी का VCR न्यूज़ में स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक हिंदी फिल्म के मुहूर्त पर जिसका नाम है कुदरत एक प्रेम कथा। जी हां, ये कोरोना काल में जो लोगों पर एक कहर ढाया है उस बेस की ये मूवी है। तो उसके जो किरदार हैं देव यानी कि अभिषेक जी, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुहूर्त के समय पर। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका जो देव नाम का जो किरदार है वो किस तरह का है। जी देव जी, आपका स्वागत है अभिषेक जी VCR न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक जी, हम आपसे जानें कि आपका जो किरदार है किस तरह का किरदार रहा है इस मूवी के अंदर और आप क्या करने वाले हैं, क्या मैसेज देने वाले हैं इस मूवी के माध्यम से। सर, इस फिल्म में मेरा किरदार है देव नाम का जी, जो एक डॉक्टर है। और ये आपको बताया कि कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हाँ जी, इस फिल्म में दिखाया गया है कि कितनी परेशानी होने के बावजूद भी एज अ डॉक्टर कितनी परेशानी झेली। डॉक्टर्स ने अपने घर पे भी नहीं जाते हैं, पूरा पूरा दिन क्लिनिक में रहते हैं। तो ऐसे ही मैं, मेरा भी करेक्टर में डॉक्टर का है, पूरा टाइम मैं कोरोना की पेशेंट की देखभाल करता हूँ। और साथ में जो इसमें हीरोइन है वो एक NGO से हैं, NGO का करेक्टर प्ले कर रही है जो इसमें मेन हीरोइन है। साथ में हम दोनों की बॉन्डिंग होती है, हम दोनों साथ में कोरोना के मरीजों की अच्छे से देखभाल करते हैं, पूरी केयर करते हैं। उसी बीच एक हादसा हो जाता है हम दोनों के साथ, वो इस फिल्म का मैं आपको लीव नहीं कर सकता कि क्या है, बट उसमें सस्पेंस छुपा हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी जब फिल्म बन जाएगी। और मेरा कैरेक्टर इसमें देव नाम का है, मेन कैरेक्टर जो इस फिल्म में निभा रहा हूँ मैं। जी अभिषेक जी उर्फ देव जी, हम आपसे जानेंगे कि जो ये मूवी है आपको कैसे मिली। सर एक्चुअली मैं जलज जी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ जी। इससे पहले भी मैंने मंडी हाउस में भी 6 साल मैंने थिएटर किया, वहीं से मैं जलज जी के साथ इनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, फिर मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया। हमने साथ में पहले मैंने कुछ क्राइम थ्रिलर भी कर रखे हैं, लाइक जैसे प्यार या दहशत, ये आजकल साउथ इंडिया जैसे चल रहे हैं काफ़ी टाइम पहले। एंड आई मिस्टर डायरी पार्टिसिपेट इन 2011, मैं टॉप 5 में आया था। जलज जी भी मुझे वहीं पर मिले थे, वहीं से उन्होंने मुझे एनकरेज किया। और साथ में हमने एक फिल्म की थी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, उसका पूजा के फूल नाम था। बट ये कॉन्सेप्ट के लिए मुझे इन्होंने 2 बार ऑडिशन दिया कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप मेरे साथ हो बट मुझे इससे नहीं है, मुझे टैलेंट चाहिए आपका। तो मैंने इनको 2 बार मेरा ऑडिशन हुआ, देन आई एम सिलेक्टेड इन देव करेक्टर, मेन करेक्टर दिस फिल्म जी। एंड मुझे बहुत खुशी है कि एक बड़े बैनर की मूवी और बड़े लेवल पर रिलीज़ होगी, क्योंकि मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गाँव से। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैं ऐसी मूवी में मुझे मेन करेक्टर मिला है, क्योंकि मुझे पता है मैंने 10 साल कितनी मेहनत की है इस करेक्टर के लिए नहीं, लेकिन इस करेक्टर को पाने से पहले मैंने ऑडिशन दिए हैं, थिएटर में वर्क किया है, तो उन्हीं वजह से मुझे ये करेक्टर मिला है। तो अब से पहले आपने जो मूवी की है उसके बारे में जरा बताएंगे दर्शकों को। सर मैंने मूवी की थी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, जलज जी के साथ ही थी। बट मैंने अभी सेल्स किए हैं और मॉडलिंग के शोज़ किए हैं। मेन बेसिकली मैं फ़िलहाल अभी कमानी रोड पर मैंने काफ़ी शोज़ कर रखे हैं, मंडी हाउस थिएटर करता हूँ मैं थिएटर से, क्योंकि थिएटर में आपको एक्टिंग की ना बारीकियों के बारे में पता चलता है। थिएटर में आपको पैसा नहीं मिलेगा, बहुत से लोग कहते हैं हमें पैसा फेम चाहिए जी। तो आप जब तक उसके लायक नहीं बनोगे ना, उसमें जो छोटी छोटी बारीकियाँ समझाई जाती हैं थिएटर के अंदर, वो सिर्फ आपको थिएटर के अंदर ही मिलेंगी, बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। तो मेरा बचपन से शौक था कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे बनना ही है। मुझे भी 8 से 10 साल स्ट्रगल करते हो गए, क्योंकि कितने लोग स्ट्रगल करते हैं, कितनों को काम मिल पाता है नहीं मिल पाता, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मुझे मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे जलज जी जैसे एक इंसान मिले हैं जिन्होंने मुझे टैलेंट को भापा और मुझे एग्जीक्यूट किया इस फिल्म के लिए जी। और मेरा एज अ मेन करेक्टर देव के लिए मेरा करेक्टर फाइनल हुआ। एंड थैंक यू सो मच जलज जी कि आपने मुझे इस फिल्म में ये रोल दिया, और मैं पूरी शिद्दत से ये रोल निभाऊंगा। और भगवान से दुआ करता हूँ कि मूवी अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स करे और जो मेरी मेहनत है 10 से 12 सालों की वो अचीव हो जाए मेरे को। चलिए जलज जी के बारे में जानेंगे आपसे कि जलज जी इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ साथ। सर ये जलज जी का अपना बैनर है जी, JP क्रिएशंस, तो उनका खुद का ही बैनर है। वो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ डायरेक्टर इस फिल्म को लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस पे ही जी, इन हाउस उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो चलिए देव जी, आपका देव जी उर्फ अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बारे में जो है सारी जानकारी हमारे चैनल को दी, हमारे चैनल के दर्शकों को दी। तो हम दुआ करेंगे कि आप जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें। हम यही दुआ करके आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे जब आपकी शूटिंग चालू हो जाएगी या जब आपकी मूवी रिलीज़ हो जाएगी। एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस फिल्म के बारे में। थैंक यू सो मच अजय जी, और VCR न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय
एक मुझ जैसे छोटे से आर्टिस्ट के लिए दिया, नहीं नहीं आपके आर्टिस्ट द्वारा ही तो देखिए, मैं बहुत आर्टिस्ट अच्छा, आर्टिस्ट छोटा नहीं है, आर्टिस्ट बड़ा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। क्योंकि मीडिया ही होती है जो एक अच्छे इंसान को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। जी बिल्कुल मीडिया बिल्कुल इज़ अ सही कहा गुड आपने। प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी। बट एक कला कला होती है, कला थैंक का यू। आगे हर कोई झुकता है। अगर आपके अंदर कला है तो आपके आगे पूरी दुनिया झुकेगी, ऐसा नहीं है थैंक कि यू नहीं सो मच अजय झुकेगी। जी, आपने इतना जी अपना मुझे बेशकीमती टाइम दिया। थैंक यू थैंक सो यू, मच फॉर बी सर। वेलकम थैंक आपका, यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय निकाल कर अपना इंटरव्यू हमारे दर्शकों को दिया और अपनी पूरी जानकारी दी कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ और दोस्तों, मैं एक बात और कहना जी चाहूँगा सर, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, जी मेरी वाइफ का, शी इज़ नेम अंबानी भारद्वाज, मेरे ब्रदर का, उनका नाम रोहित भारद्वाज है, मेरे पापा श्री दीनदयाल जी, मेरी माता जी श्री विमला जी, तो मुझे उन्होंने एनकरेज बहुत किया। मेरे पापा, मैंने कहा कि गांव की पृष्ठभूमि का जो बच्चा होता है ना, जी एक एक्टर फिल्मों में जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी होती बात है। होती जी है, जी तो गांव से ना सपोर्ट नहीं मिल पाता। मैं बेसिकली बड़े छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, बट जी कहते हैं ना जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, पंगज त्रिपाठी जी, छोटे से सपने प्लेटफॉर्म से सपने आए हैं, अगर अपने तो बड़े मैं दो हैं तो लाइन बोलना बहुत आगे चाहता हैं। हूँ। जी मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पंखों में उड़ान होती है, सॉरी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आपका, बहुत बहुत आपकी सोच और आपकी जो नीयत है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कहावत है कि नेक नीयत मंजिल आसान। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके हौसले बुलंद हैं और आपकी फैमिली आपके साथ है। हम दुआ करेंगे आप दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू जी सर, हाँ, बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। आपका। तो देखा दर्शकों, हमारे बीच में मौजूद थे अभिषेक जी, अभिषेक जो देव का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, कुदरत एक प्रेम कथा में। जी हाँ, जल्दी आप इसको पर्दे पर देखेंगे फिल्म को। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्दी हम देव जी का, हो सकता है कि फिल्म रिलीजिंग के टाइम पे या मेकिंग के टाइम पे हम फिर आपको आएंगे और आपको इनको अभिषेक जी को आपसे मिलवाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके लिए और बीसीआर न्यूज़ के लिए, दिल्ली से अजय शास्त्री की रिपोर्ट। थैंक यू।